अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मलका की दाल की बिरयानी, जो बनाने में बहुत आसान है। इसके लिए मैंने लिए हैं ये 4 से 5 अदद टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 बिरयानी मसाले नेशनल वालों के, 1 चम्मच कुटी मिर्चें, 1.5 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा पुदीना और इमली। इसके साथ मैंने 1 घंटे ये प्याज की ली है। ये हमारा तेल गरम हो रहा है, इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। इसको ब्राउन करना है प्याज को। ये हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, जब तक मैं आपको मलका की दाल, ये हमारी दाल बॉईल हो रही है। इसके अंदर मैंने सोडा डाला था और नमक डाला था हसबे जायका। जब तक ये दाल हमारी बॉईल होगी, जब तक हमने इसके अंदर प्याज ब्राउन कर लेनी है। प्याज ब्राउन करने के बाद इसके अंदर सारे मसाले ऐड करने हैं। ये हमने हमारी प्याज ब्राउन हो रही है। हमारे सारे मसाले तैयार हैं, इसके अंदर मैंने नमक भी शामिल कर लिया है। ये हमारे प्याज ब्राउन हो गई है, अब हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देंगे। ये हमने अपने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। हम इसको अच्छे से चला के इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। इसको हम अच्छे से हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि ये हमारे टमाटर सारे घुट जाएं। टमाटर का हमें पेस्ट बनाना है। हमारी दाल भी गल गई है, इसको अच्छे से गला लेना है। हमारे टमाटर भी गल गए हैं, पूरे घुट गए हैं इसके अंदर। इसका देखें पेस्ट बन चुका है। अब हम इसके अंदर दाल मिला देंगे अपनी। देख सकते हैं आप, ये मैंने अपनी दाल इसके अंदर मिला दी है। इसके अंदर देखें हमने दाल अपनी पूरी मिला दी है। इसका कलर देखें कितना अच्छा लग रहा है। अब इसे हल्की आंच पर पकने देंगे ताकि टमाटर की जो हल्की सी कसर रह गई है वो भी गल जाए और दाल की भी, और दाल भी गल जाए। ये हमारे टमाटर भी घुट गए हैं और दाल भी बिल्कुल गल गई है। अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। ये हमने इसके अंदर चावल भी मिला दिए हैं। हमने चावल डाल दिए थे, अब ये गलना शुरू हो गए हैं। अब हम इसको दम पर लगा देंगे। ये चावल हमारे दम पर आ गए हैं। चावल हमारे अच्छे से गल भी गए हैं। तो ये हमारे चावल बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।